हजारीबाग की रामनवमी पूरे देश भर में विख्यात है, लेकिन इन दिनों रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन और राम भक्तों के बीच में खनी हुई है। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से राम भक्त जो है वो पिछले चार दिनों से अनशन पर हैं। एक की स्थिति गड़बड़ाई भी है, डॉक्टर भी यहाँ आए, उनका इलाज किए, हम उनसे बात भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनकी जुबानी कि आखिर क्या समस्याएं हैं, क्यों वो अनशन में बैठे हुए पिछले चार दिनों से। तो पहले उन लोगों से बात करेंगे। और ये यहाँ पर कल पदाधिकारी पहुँचे, राजनेता भी पहुँचे हैं, और आज क्या रहा बात, क्यों आखिर बैठे हुए हैं? अमन जी, आखिर क्या बात हुई कि आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ा और प्रशासन की ओर से अभी तक क्या हुआ है? मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कल प्रशासन की टीम आई थी, सीओ साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, साथ में दो प्रभारी महोदय भी आए थे। उन्होंने तीन जो मांग हमारा है, 144 हटाने का और जो हमारे अस्त्र पाबंदी उसको हटाने का और डीजे पे जो है, तो मैं बताना चाहता हूँ शॉर्ट में कि 144 का उन्होंने ये कहा कि 144 लगा हुआ है, लेकिन आप अपना प्रोसेसर निकाल सकते हैं, उसमें 144 नहीं होता है। हमें तो यही पता है कि संविधान ये कहता है 144 का मतलब ये होता है कि 5 लोग ज़्यादा नहीं निकल सकता है, केस कभी भी हो सकता है। तो मतलब तर्क उनका बात हमको नहीं लगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अस्त्र पाबंदी नहीं, जहाँ 44 लगता है वहाँ अस्त्र लेके नहीं जाया जाता, लेकिन आप लोग जाइए हम मना नहीं करेंगे। अरे आपने कानूनी लिखितव के आगे वक्तव्य नहीं चलता है, आप एक यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है ना कि आपने लिखितव निकाल दिया आदेश कि अस्त्र नहीं जाना, फिर कहते मुँह से कह रहे और लेके ले जाइए, तो हम क्यों गलती काम करें, हम तो लिखित पर चलेंगे ना। तो यहाँ पर उनका तर्क बात नहीं लगा हमको। उसके बाद तीसरा बात है डीजे, डीजे पे उन्होंने कहा प्रशासन डीजे से उन्माद फैलता, ये वर्ड उन्होंने यूज किया। हमने ये कहा कि महोदय मेरा ये कहना है कि पूरे झारखंड में एक महीने के लिए आप शराब गुटखा सिगरेट सब बंद करके, वो पीने के बाद जिससे कंठ नीचे उतरता है, तो उन्माद वहीं से फैलता है कि लोग कुछ भी शब्दों की महिमा नहीं जानते, कुछ भी किसी को बोलते, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाता है। तो आप शराब को बंद कीजिए, डीजे से ज़्यादा खतरनाक शराब है, डीजे से उन्माद नहीं फैलता है। तो उनका कोई बात हमको तर्क नहीं लगा, इसलिए हम लोग बोले ये तीन मांगे। और दूसरा चौथा मांग ये था कि हम बाजार झंडा चौक पे जब शांतिपूर्ण जय श्री राम का नारा लगाने पे अमन कुमार पे केस कर दिया गया, उन्होंने उनको मैंने कहा अगर मेरा कोई वीडियो हो जहाँ पे विवादी बयान मैं दिया हूँ तो अभी वहाँ पे फांसी का फंदा तैयार कीजिए, हम फांसी पर चढ़ने के तैयार है, आपने FIR करके हमको दबाने का काम किया, ये झूठा और फर्जी FIR आपने कहा है, ये चारों मांग को हटाना पड़ेगा। बोले कि नहीं, चारों जो है वो चारों रहेगा, ये सब हम लोग नहीं हटाएंगे, लेकिन आप लोग अनशन से तोड़ दीजिए। आखिर कल सांसद भी आए हैं, विधायक भी आए हैं, कुछ तो बीच का बात होना चाहिए, क्योंकि रामनवमी पर आने वाला है, आपको 10 दिन बचा हुआ जुलूस में। विधायक जी सीधे सदन से हमारे पास पहुंचे और हम लोग का टोटल छह जाने बोले हम बात करेंगे, और उसी तरह से सांसद महोदय भी हमारे पास अध्यक्ष पहुंचते, हमारे पास आए, उन्होंने भी यही बात कहा कि आपकी क्या परेशानी हमको बताइए, हमको नहीं जानकारी है, उनको जानकारी दिए, बोले ठीक है हम बात करेंगे। यही बात दोनों जनप्रतिनिधियों से हुआ है, वो लोग यही बोले हैं कि हम लोग आश्वस्त हैं कि हम बात करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से। देखिए प्रशासनिक पदाधिकारी आए थे, राजनेताओं ने आश्वासन दिया है, इसके बाद भी दस्तूर जारी है चार दिनों से अनशन। एक है जिनका तबीयत खराब भी हो गया था, डॉक्टर ने आकर के इलाज भी किया है, कैसी तबीयत अभी? तबीयत थोड़ा बहुत अच्छा है सर, आए कुछ नहीं कहते हैं, पीछे बढ़ना है, और विधायक जी भी आया है तो दवा खिला करके गए हैं, अभी तबीयत तो फिर डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अनशन की बात है, जिला प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से ही चाहते हैं कि उनको भगवान सुमति दे और परंपरागत रामनवमी को जैसे चल रहा था उसे चलने दें। देखिए यही इनकी मांग है कि जैसा चल रहा था वैसा चलते रहना चाहिए। यहाँ पर एक और है, आखिर क्या कैसी स्थिति बन रही है? चार दिनों से अनशन में पहली बार बैठे हैं। देखिए चार दिनों से अनशन में है, अब तो काफ़ी थोड़ा शरीर में थकान हो रहा है, लेकिन फिर भी जो हम अडिग है, विश्वास अटल है हमारा, हम डिगने वाले नहीं हैं। कल जिला प्रशासन की कुछ टीम आई थी, लेकिन बहुत अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जिला प्रशासन के द्वारा वैसी टीम को भेजा गया जिन्होंने यह हमें कहा कि हम लोग जो है हमारी जो चार सूत्री मांगे हैं उसको पूरा तरह से इम्प्लीमेंटेशन के लिए सामर्थ्य नहीं है। तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वैसे अधिकारियों को भेजा जाए जो कि हमारे चार सूत्री मांगों को इम्प्लीमेंटेशन करने का अधिकार रखता हो। हमने कोई अनर्गल, कोई अतार्किक, कोई अवैधानिक मांग नहीं की है। हमने 144 को हटाने का मांग किया है। पहला जो परंपरागत डीजे जो परंपरागत शस्त्र लाठी डंडे के साथ 98 वर्षों से पिछले जो रामनवमी हमारा अखाड़ा सहित जो जुलूस जो निकलता रहता है वो हमारा दूसरा मांग है। हमारा जो तीसरा मांग है
डीजे पर है तो हम लोग डीजे पर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर डीजे से ऐसा लगता है कि उन्माद फैलता है तो ठीक है भाई, अगर आपने एक डेसिबल उसका बता दीजिए हमको, हम 16 बॉक्स बांधते हैं, हम 20 बॉक्स बांधते हैं या 32 बॉक्स बांधते हैं, तो अभी हम 8 बॉक्स बांधने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आप जिला प्रशासन उसका एक मानक तो तय कीजिए, लेकिन आप पहले हमको मानक तय करके दीजिए, एक डेसिबल तय करके दीजिए, और अगर कोई फूहड़ गाना बजाता है, अश्लील गाना बजाता है, तो आप उसके डीजे पर कार्रवाई कीजिए, उसको ले जाइए। कोई राम भक्त इसमें गलत का साथ नहीं दे रहा, सनातनी है हम सही का साथ देने के लिए आए। क्या ये हो रहा है आखिर, कैसे समाधान होगा समस्या का? समस्या का समाधान हुआ है, इसमें होने का कोई विषय नहीं है। इतने साल से रामनवमी निकलता है, तो निकलेगा। ये धरना पर है, इनकी कुछ मांग है? इनका कुछ मांग है जो कि जिला प्रशासन से कर रहे हैं, मांग सब जायज भी है, कोई ऐसा मांग नहीं जो अभी आज के दिन में उत्पन्न हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम लोग भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 10 बजे के बाद पर्टिकुलर डेसिबल पर बजे, कोई डीजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। तो डीजे नहीं बजेगा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा, डीजे भी नहीं बजेगा 10 बजे के बाद, तासा भी नहीं बजेगा, बैंड भी नहीं बजेगा, कुछ भी नहीं बजेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो तो 10 बजे जो जुलूस है उसको मना कर दीजिए, 10 बजे जो जहाँ वहाँ खड़ा रहेगा। लेकिन आपको बीच का रास्ता निकाल कर कुछ बातचीत कर करके इसका पहल करना चाहिए। आज जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को प्रशासन को दूर करना चाहिए।